गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुमन निर्मलकर। आज मैं आपको कक्षा चौथी का गणित पढ़ाऊंगी। अध्याय 17 लाभ हानि। लाभ हानि क्या होती है? जिस मूल्य अथवा धन राशि पर कोई वस्तु अथवा सामान खरीदा जाता है उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर कोई वस्तु अथवा सामान बेचा जाता है उसे उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहते हैं। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हम उसे लाभ कहते हैं। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ने क्रय मूल्य, और जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो वो क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। तो हानि का सूत्र होता है हानि बराबर क्रय मूल्य ने विक्रय मूल्य। आइए लाभ हानि से संबंधित सवाल नंबर के देखते हैं। अभ्यास 17.1 नंबर 1। निम्नलिखित में लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 450, विक्रय मूल्य 420। क्रय का मतलब होता है खरीदना, विक्रय का मतलब होता है बेचना। यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य बराबर 450 रुपए और विक्रय मूल्य 420 रुपए। तो क्या होगा? हानि का सूत्र लगाएंगे तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। अब सूत्र में मान रखेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है? 450। क्रय मूल्य के नीचे 450, ऋण विक्रय मूल्य कितना है? 420। विक्रय मूल्य के नीचे 420। आइए इसे रख में हटाकर देखते हैं। 450 नीचे लिखेंगे 420, इसे घटाते हैं। शून्य में से शून्य घटाएंगे तो कितना बचेगा? शून्य। पांच में से दो घटाएंगे तो कितना बचेगा? तीन। और चार में से चार गया कट, कितना हानि हुआ? 30 रुपए। तो आंसर क्या आएगा? आंसर बराबर हानि बराबर 30 रुपए। तो आज हमने अध्याय 17 में लाभ हानि क्या करना सीखा। तो जैसे मैंने सवाल समझाया है वैसे ही बाकी सवाल